हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको मेरा हुआ क्रिंकल 8 का समर और बोल सकते हैं आपके रेनी सीजन में इसका भी नया ग्रोथ क्या क्या हुआ है। मैं जब इस प्लांट को खरीदी थी तब इसका लेंथ ऑलमोस्ट इतना था, नियर अबाउट 1 2 3 4 5 या ये वाला शायद था 6 लीफ वाला मुझे मिला था लोकल नर्सरी से 200 रुपीज़ में। और उसके बाद ये वाला ग्रोथ जो आप देख रहे हैं, ये वाला मेरा पिछले साल का ग्रोथ था, बट दिसंबर के बाद से इसका ग्रोथ थोड़ा कम हो गया है। लेकिन अभी जैसे कि वापस गर्मी का मौसम आ गया है, अभी वापस इसका ग्रोथ चालू हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसका टोटली न्यू ग्रोथ है। यहाँ का 2 लीफ जो आप देख रहे हैं, 2 या 4 लीफ ये अभी ग्रो कर रहे हैं, पूरा हार्ड नहीं हुआ है, अभी भी सॉफ्ट है। और बाकी का जो और जो लीव्स है, जैसे कि ये वाला नया ग्रो कर रहा है, फिर ये वाला इसके साइड वाला, फिर यहाँ का और 2 जो न्यू, और ये वाला टोटली नया ग्रोथ है इस वीक का, जैसे कि आप देख सकते हैं। बट बहुत अच्छा प्लांट है, मैं बहुत खुश हूँ इस प्लांट से। ये ऐसे एक प्लांट है जो आप इसको कोई भी मतलब बिना पानी के भी अगर आप 1 हफ्ता रख लेंगे तो ये रह जाएगा, कुछ नहीं होगा इसको। लेकिन ज़्यादा पानी देने से, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं सॉइल ड्राई है, इसमें ये थ्राइव बहुत अच्छा करता है। लेकिन जैसे ही ओवर वाटर हो जाता है, मैंने इसका पहले भी एक प्लांट खरीदा था क्रिंकल 8, जो मुझसे मतलब मेरे हाथ से बाई अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया जस्ट ऑफ ओवर वाटरिंग। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा कम पानी देती हूँ, लाइक वीक में 2 बार या वो भी नहीं, और हफ्ते में 1 बार मैं इसको फर्टिलाइज करती हूँ। अब ये पूरा पूरी नया ग्रोथ है, आप देख सकते हैं, अभी भी ये हार्ड नहीं हुआ है, सॉफ्ट है। इसको हार्ड होने में एटलीस्ट 1 लीफ, मैच्योर होने में इसका एटलीस्ट 1 वीक लगता है। तो लेकिन वैसे ये क्रिंकल 8 बोला जाता है इसलिए क्योंकि इसका जो एप्स बना हुआ है, ये 8 एप्स है, इसलिए इसका नाम क्रिंकल 8 रखा गया है। इसका फ्लावर भी बहुत सुंदर होता है, लेकिन अभी मेरा जस्ट स्मॉल प्लांट है इसलिए इसमें कुछ पेडंकल्स का कोई चांस नहीं है। होप कि एक दिन ये फ्लावर करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगली बार मिलेंगे एक नए होया के साथ। थैंक यू।